ऑलराइट, यहाँ हम बात करेंगे पेरेंटल केयर ऑफ फिशेस में पेरेंटल केयर किस प्रकार होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें पेरेंटल केयर की, तो वहां पर हम बोलते हैं कि पेरेंटल केयर फिशेस में मोस्टली नहीं होती। पेरेंटल केयर का मतलब क्या होगा कि अंडों की रक्षा करना, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना। सेकेंडली जो बिल्कुल बच्चे हैं, बिल्कुल शिशु हैं, उनकी रक्षा करना। और थर्डली जो थोड़े से उनसे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, उनकी भी रक्षा करना, जब तक वो एडल्ट या वयस्क फॉर्म में ना आ जाए, जब तक वो खुद की रक्षा खुद नहीं कर सकते, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो पेरेंटल केयर के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि अगर पेरेंटल केयर होगी तो बच्चे जो हैं वो आसानी से बढ़ सकेंगे और अपने आप को, जब तक सक्षम नहीं हो जाते, जब तक उस लायक नहीं हो जाते कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तब तक वो बच के रहेंगे, बाहर के शत्रुओं से, एनिमी से बच के रहेंगे। और जो फूड है, भोज्य पदार्थ है, वो भी पेरेंट्स उन्हें लाकर दे देंगे, तो उन्हें ज्यादा बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और उसकी वजह से भी वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में, एक सुरक्षित वातावरण में रह सकते, ठीक है। तो पेरेंटल केयर को फिशेस में ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं कि जहां पर बच्चों की इस तरह से केयर हो कि उन्हें भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो, उन्हें प्रॉपर हाउस जो बोलते हैं, जिन्हें हम नेस्ट बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं, वो प्रॉपर्ली प्रदान हो, ऐसा वातावरण हो जहाँ एनिमीज उन पर, शत्रु उन पर अटैक न कर सके, उन्हें खत्म न करे उनकी प्रजाति, राइट। जहां तक फिशेस की बात है, वो पेरेंटल केयर फिशेस में बोलते हैं ऑलमोस्ट नहीं ही होती है, बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी फिशेस भी ऐसी हैं जहां पर पेरेंटल केयर को हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, ठीक। जब हम बात करते हैं कि पेरेंटल केयर हो रही है, पेरेंटल केयर क्यों हो रही होगी, क्योंकि वहां पर जरूर उसकी जितनी भी स्पीशीज रही होंगी फिशेस की, वो प्रजातियां लुप्त होने लग गई होंगी या सर्वाइव ही नहीं कर पा रही होंगी, क्योंकि जैसे ही कोई एनिमी देखेगा तो उन पर अटैक इजीली कर सकता है। अब हम मान के चलते हैं कि फिशेस जो हैं वो बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करती हैं, बहुत सारे एग्स देती हैं। इसके पीछे भी एक रीजन होता है कि क्यों इतने सारे नंबर्स में एग्स प्रोड्यूस किए जा रहे, 5000 से 1 लाख एग्स भी प्रोड्यूस किए जा रहे, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज अलग अलग नंबर ऑफ एग्स देती है, तो क्यों है ऐसा कि इतने सारे एग्स दिए जाते हैं? क्योंकि सबसे नंबर वन तो कि ये एग्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक, तो ये ज्यादा अमाउंट में दे सकते हैं, ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं। नंबर टू, हम ये बोलते हैं कि जो नर युग्मक होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं, तो इसके कारण भी एक ज्यादा देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा नर युग्मक कौन से मादा युग्मक के साथ जाकर फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, जायगोट का निर्माण करेगा, तो इसलिए भी एग्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। और थर्डली, क्योंकि एग्स बहुत छोटे हैं और इसलिए, और पानी में दिए जाते हैं फिशेज, ऑलमोस्ट वाटर में रहते हैं, तो इजीली कोई भी शत्रु आकर उन्हें देख सकता है और उन पे फीड कर सकता है, वो खा सकता है, इसलिए भी एग्स बहुत ज्यादा मात्रा में दिए जाते हैं। तो पहला रीजन हमने बोला अमाउंट ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं, अगर बड़े होते तो ऑटोमेटिकली हम बोलते कि इनकी मात्रा कम होती। दूसरा, स्पर्म्स की अमाउंट कम है, मात्रा कम है। और तीसरा, जल में है, वाटर में है, और बाह्य निषेचन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो इस कारण से हमें नहीं पता कि कौन सा एग कौन से स्पर्म के साथ जाकर फ्यूज करेगा, ठीक है, युग्मित होगा। और फोर्थली, एनिमीज की वजह से कि शत्रु जो होते हैं वो इजीली पर फीड कर सकते हैं। तो ये चीज होती है कि एग्स हमारे क्यों ज्यादा दिए जाते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे कि फिशेस में हमें जो एग्स देती हैं, ये फिशेस अंडे जो देती हैं, वो कई
कई बार तो बहुत लाइट वेटेड होते हैं और कई बार हम देखेंगे कि बहुत हेवी वेट के होते हैं, बहुत भारी होते हैं। तो जो लाइट वेटेड होंगे, हल्के होंगे भार में, वो तो ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे जल की सतह पर, बिल्कुल सरफेस पर ऊपर की तरफ। और जो भारी होंगे वो नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दो चीजें अपनाई जाती, या तो जो एग्स हैवी हैं, भारी हैं, उनके साथ कुछ जिलेटिन नामक सब्सटेंस, जिलेटिनस सब्सटेंस या पदार्थ सिक्रीट किया जाता है, इसी के साथ स्रावित किया जाता है म्यूकस जैसा चिपचिपा पदार्थ, ताकि वो एग, वो अंडे उसके अंदर सुरक्षित रहे और ऊपर तैर सके, ठीक है। और दूसरा होता है कि नीचे क्योंकि हैवी है और ये पदार्थ भी नहीं स्रावित किया जा रहा है, तो ये हो सकता है अंडे नीचे सतह पर, नीचे बिल्कुल बॉटम पर लुढ़कते हुए नीचे चले जाए, ठीक है, भारी चीज ऊपर रुकेगी नहीं सब। तो इसलिए नेस्ट बनाए जाते हैं, नीचे जाकर घोंसले बनाए जाते हैं और उन घोंसलों में एग्स को, अंडों को दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये अपने आप को चेंज करते हैं। अब जब हम पेरेंटल केयर की बात कर रहे हैं, तो पेरेंटल केयर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि नेस्ट बिल्डिंग करते होंगे कुछ, ठीक। दूसरा हम बोलेंगे नेस्ट बिल्ड करेंगे तो अपने आप प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे हैं, ठीक। और कुछ भी नेस्ट बिल्डिंग नहीं होगी तो वो अपने बॉडी के अलग अलग संरचनाओं में इन अंडों को रख सकते हैं। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कैसे शरीर की अलग अलग संरचनाएं बनी हुई हैं और उनमें ये एग्स को रख सकते हैं, ठीक है, वहां पर प्रोटेक्शन देंगे। इसके साथ ही ये फूड भी ले सकते हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थ जो होता है उसे भी देते हैं बच्चों तक, ताकि वो इजीली, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का, एयर प्रोवाइड कराने का भी कार्य करते हैं। ये भी हम भी पढ़ेंगे कि कैसे एयर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं जो बिल्कुल बेबी फॉर्म में हैं वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, वहां पर इजीली जीवित रह पाते हैं आसानी से। इसके बाद हम बात करेंगे उन्हें एक होम प्रदान कर रहे हैं, हाउस प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन किससे है, एनिमीज से है, शत्रुओं से प्रोटेक्शन है। और इसी के साथ क्या करते हैं, कई बार अपने फिन्स के द्वारा, अपने पंखों के द्वारा हवा भी प्रदान करते हैं, ठीक है, वाटर प्रदान करते हैं ताकि जल के द्वारा वो इजीली ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। तो इस तरह ये सारे पेरेंटल केयर की ही बातें कि न्यूट्रिशन प्रदान कर रहे हैं, उनको बचाकर रख रहे हैं, उन्हें ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो इजीली एडल्ट में बदल सके, ठीक है, वयस्क में बदल सके। और एडल्ट में बदल जाएंगे अगर वयस्क में ये बदल जाते हैं तो आसानी से खुद को इतने सक्षम हो जाएंगे कि खुद को प्रोटेक्ट करके आराम से सुरक्षा कर सके। अब जब हम फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस दो प्रकार की हो सकती हैं, एक को हम बोलेंगे ओवीपेरस और एक को हम बोलेंगे विवीपेरस। ओवीपेरस तो जो होंगी वो जो अंडे प्रदान करती हैं, एग्स देती हैं, ठीक है, और एग्स को सुरक्षा दे दी जाती है। विवीपेरस वो होंगी जो कि शिशुओं को, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका मतलब हुआ कि इनमें जो निषेचन है वो आंतरिक प्रकार का होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और बॉडी के अंदर ही होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये दो प्रकार की होती हैं। और जो शिशु बॉर्न करता है, जस्ट बर्थ हुआ है जिस बच्चे का, उसको न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के द्वारा ही, अपरा जो होता है उस प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है बेबी शिशु, ठीक है। शिशु फिर किशोर में बदलता है, यंग फॉर्म में बदलता है और फिर बाद में वयस्क अवस्था में बदल जाता है।
ठीक है, और फिर वयस्क अवस्था में बदलने के बाद पेरेंट्स उसे छोड़ देते, आसपास वहां पर नहीं घूमते, आसपास नहीं रहते। ठीक है, तो इस तरह से ये एक समरी प्रकार की हो गई कैसे पेरेंटल केयर की जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पेरेंटल केयर में अलग अलग कौन से मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं फिशेस के बाद। बहुत सारे 7 टाइप्स हैं जिनके द्वारा फिशेस अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ केयर। केयर के विभिन्न प्रकार जिसमें नंबर 1 है नेस्ट बिल्डिंग। ठीक है, नेस्ट का निर्माण जिसमें हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, उदाहरणों के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से नेस्ट बिल्डिंग ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। एक है ऑर्गेनिज्म स्टिकल बैग जिसका नाम है गैस्ट्रेस्टियस एक्यूलिएटस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण है क्रेनोलेब्रस ऑसिलेटस। तीसरा इसमें एग्जाम्पल है एनिया पालवा का। चौथा इसमें एग्जाम्पल है प्रोटोप्टेरस का। पांचवा इसमें एग्जाम्पल है लैपिडोसीरेन का। इसको हम थोड़ा सा वाइड वेराइटी में पढ़ते हैं क्योंकि नेस्ट बिल्डिंग बहुत सारे फिशेज में देखी जाती है, और मैक्रोपोडस का, बीटा एंड मैक्रोपोडस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फिशेज के नेस्ट बिल्डिंग में, घोंसले का निर्माण किस प्रकार से ये कर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिकल बैक फिश। ठीक है, इनमें भी मेल्स और फीमेल्स, नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और मादा जो होगी वो अंडे देगी। ठीक है, जो फीमेल है वो एग्स ले करेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टिकल बैक फिश की, तो इसका साइंटिफिक नेम है गैस्ट्रेस्टियस एक्यूलिएटस, एक्यूलिएटस। और इस फिश में हमें देखने को मिलता है कि जो हम बोलते हैं फंजाई वगैरह उपस्थित होते हैं वहां पर, या जब हम बोलते शैवाल उपस्थित होते हैं उस जगह पर, इनके जो किडनीज होती हैं या इनके कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कि श्लेष्मा का श्रावण करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और उस म्यूकस के कारण ये अपने बेली पोर्शन को, इनका जो बेली पोर्शन है, इनके विभिन्न जो अंग हैं उनको शैवालों से अटैच कर पाते हैं, आसंजन कर पाते हैं। क्योंकि म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ अगर सिक्रीट हो रहा है, श्रावित हो रहा है, तो उसके कारण ये इजीली वहां पर रिवर्स में पानी के अंदर, वाटर के अंदर इजीली अपने अंगों को वहां से उससे अटैच कर पाते हैं, और वहां फिर वो नर जो होंगे वो घोंसले का निर्माण करेंगे। हम यहाँ बोल सकते हैं म्यूकस उपस्थित होता है और इस म्यूकस से ये अटैच कर लेते हैं। ठीक है, एल्गी वगैरह से इजीली अटैच। नेक्स्ट अगर हम बोले तो बोला कि मेल्स जो होंगे वो नेस्ट बनाते हैं नीचे जाकर, ठीक है, घोंसला बनाते हैं, और जो फीमेल है उसको सिग्नल्स देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, उद्दीपन देते हैं, ताकि उन नेस्ट के अंदर आपके फीमेल्स एग्लेट कर सके। ठीक है, इस प्रकार से एग्लेइंग जो होती है वो यहाँ पर करवाई जाती है फीमेल्स को स्टिमुलस। जब फीमेल्स एग्ले करती है
उसके बाद मेल्स जो होते हैं, नर जो होते हैं, वो अंडों की सुरक्षा करते हैं, आसपास घूमते रहते हैं वहां, ठीक है, और उनकी सुरक्षा करके उन्हें एक अच्छा सुरक्षात्मक एनवायरमेंट, प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट प्रदान करते हैं। तो ये होता है सिकल बैक फिश। अब एक चीज और हम ये कहते हैं कि ये एनिमी से, शत्रुओं से दूर रखते हैं इनके जो एग्स हैं वो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इस टाइम पे जब वो पेरेंटल केयर करते हैं मेल्स, तो इस टाइम पे उनकी जो बेली होती है वो बिल्कुल रेड प्रकार की होती है, बिल्कुल ब्राइट रेड लाल रंग की हो जाती है, और इनकी जो आईज होती है वो बिल्कुल ब्लू नीली रंग की हो जाती है, जिससे पता चलता है, एक अलार्म मिलता है, एक सिग्नल मिल रहा है कि अभी आसपास आने की जरूरत नहीं, ठीक है। रेड कलर इज अ सिग्नल ऑफ डेंजर कि आप भी अपने बच्चों के साथ है तो आसपास मत आओ, वरना वो अटैक इजीली आप पे कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मेल्स में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे दूसरी सेकेंड एग्जांपल की, क्रेनोलेब्रस ऑसिलेट्स। इनमें भी क्या होता है, मेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेस्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जाकर घोंसले का निर्माण करते हैं नर, और नर जैसे ही मादाएं अंडे दे देती हैं, फीमेल्स एग्ले कर देती हैं, तो मेल्स वहां पर उनकी सुरक्षा करते हैं, आसपास ही रहते हैं, और इसी के साथ अपने पंखों के द्वारा, अपने फिन्स के द्वारा हवा भी करते हैं, एयर भी देते हैं एग्स को, ठीक है। तो इस तरह क्रिया करवाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिया कालवा की, ये क्या है, ये भी एक प्रकार की बो फिश है, इसे हम बो फिश का नाम देते हैं, और इसके जो नेस्ट होते हैं वो बिल्कुल वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर प्रकार के होते हैं, जहां पर बिल्कुल सर्कल में नेस्ट बनाए जाते हैं, और इन्हीं के बीच मादाएं अंडे आकर दे, जो फीमेल होंगी यहीं पे आके एग्स दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोप्टेरस की, ये क्या है, एक प्रकार की अफ्रीकन लंग फिश है। इनमें जो नेस्ट होते हैं वो अंडाकार होते हैं, एग की शेप में होते हैं, ओव्यूलर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर ना होकर एग शेप के इनके नेस्ट होते हैं, और ये लंग फिश भी यहाँ पर आकर अंडे देती है फीमेल्स, और मेल्स इसका प्रोटेक्शन करते हैं, इसे बचा के रखते हैं। और इसी के साथ नर का एक और काम ये भी होता है कि जो वाटर होता है, पानी जो होता है, उस पानी को ये क्या करते हैं, बार बार अंडों पे छिड़क देते हैं, कैसे, अपने पंखों से पानी पे मारते हैं, जिससे अंडों तक पानी पहुंच पाता है, जल पहुंच पाता है, और इससे ये एक तरह से एयर भी प्रदान कर रहे हैं अंडों तक, ताकि वो इजिली एयर में भी सर्वाइव कर सके, उन्हें वाटर भी मिल पा रहा है इस तरह से, तो वाटर को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेपिडोसीरेन की, तो ये क्या है, एक प्रकार की अमेरिकन लंग फिश है, ठीक, ये भी घोंसले बना के इनमें अंडे देते हैं फीमेल्स, मेल्स नर जो होते हैं वो घोंसले बना, इनके अंदर हमें जो चीज देखने को मिलती है वो ये है इंटरेस्टिंग सी, कि यहाँ पे भी जो वाटर होता है, जो जल होता है, वो अंडों तक पहुंचाता है, ठीक है, एरेशन किया जाता है ताकि उन्हें वायु मिल सके, और उस जल को पहुंचाने के लिए ये क्या करते हैं, पहली बात तो वाटर को एग्स तक पहुंचा रहे हैं, ताकि इजीली एयर मिल सके, और वाटर के थ्रू ऑक्सीजन भी इन्हें प्रदान हो सके, अंडों को भी बाहर का वातावरण का पता चल सके, कैसा वातावरण वहां उपस्थित है। इसके लिए भी ये क्या करते हैं, अपने पंखों को इस तरह से झटकते हैं, इस तरह से पानी में मारते हैं कि वहां तक वाटर पहुंच सके, जल आसानी से पहुंच सके। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, बेटा एंड मैक्रोपोडस। इनके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिलती है, जो नर होते हैं वो अपने मुंह के अंदर, अपने माउथ के अंदर म्यूकस से कवर्ड, श्लेष्म से कवर्ड एग्स को रखते हैं और वाटर में चलते हैं, ठीक है, और इसी के साथ कहीं उन्हें सही प्लांट मिलता है या कोई सही जगह मिलती है, तो वहां पर एयर बबल्स के द्वारा, जो बबल्स होते हैं एयर में, उन बबल्स के द्वारा
पहुंचा देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे और आगे जाके इधर उधर कहीं बहे नहीं, फ्लोट करके इधर उधर डिस्ट्रॉय ना हो सके। इसलिए एयर बबल्स के द्वारा ये अंडों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं, फिर वहां जाके उनकी केयर करते हैं, उनकी पेरेंटल केयर करते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा नेस्ट बिल्डिंग टाइप था, जिसके अंदर हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, और नेस्ट बिल्डिंग में हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल सकती है। एक स्टिकल बैग का हम एग्जाम्पल दे रहे थे। एग्जाम्पल्स इस सारे पॉइंट्स में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना चीजें समझ नहीं आती है कि कौन है। हमारे पास एक तथ्य है, एक प्रूफ है कि हाँ ऐसा होता है, एग्जाम्पल के बेसिस पर हम बता सकते हैं। इसलिए एग्जाम्पल याद करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं ये फीमेल है स्टिकल बैग की, डायग्राम बनाना भी जरूरी है, उससे और चीजें अच्छे से समझ आती है। ठीक है, ये इनका घोंसला है, नेस्ट है,
मछली में कि एग्स जो होते हैं वो कुछ सर्कुलर फॉर्म में एक गेंदनुमा आकृति में एक साथ आ जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं, और फिर उनके चारों तरफ ये जो मेल फिश है, इनकी जो मेल फिश होगी वो उनके चारों तरफ लिपट कर उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, जैसे किसी गेंद के चारों तरफ लिपट रही हो तो गेंदनुमा आकृति खुद की बनाकर ये इस तरह से वहां पर उपस्थित रहती है। और इसी के कारण क्या होता है, किसी शत्रु को, किसी एनिमी को वो एग्स दिखेंगे नहीं और ये इजीली वहां पर एक एक एग को संरक्षित करके प्रोटेक्ट करके इजीली रह सकते। ठीक है, जो कि हमने देखा है फॉल्स। थर्ड मेथड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड मेथड है अटैचमेंट टू बॉडी, कि उनका जो शरीर है उससे आसंजित होना। और इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे कोटोस। कोटोस इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, कोटस फिश जो होती है। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम यहाँ डॉर्सल भाग पर देखते हैं इनके सर के जस्ट ऊपर, हेड भाग के जस्ट ऊपर की तरफ, कि यहाँ पर हुक के समान कुछ प्रवर्ध जैसी संरचना, हुक लाइक प्रोसेस उपस्थित रहता है। ठीक है, उस हुक लाइक प्रोसेस में मेल्स जो होते हैं, नर जो होते हैं, वो अंडों को रख लेते हैं। फीमेल्स यहाँ आकर अंडों को इजीली वहां रख देती है और इसके कारण वो एग्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इनमें कोटस एग्जाम्पल है और न्यूबाय फिश जो होती हैं वो भी इनके एग्जाम्पल हो सकती है, उदाहरण हो सकते हैं। पर इस तरह से ये अंडों को एक वहां पर घोसता था, वहां पर वो बिल्कुल कॉइल कर रहे हैं, पर यहाँ पर अपने ही बॉडी से, अपने ही शरीर से आसंजन कर लेते हैं अंडों का, जिससे कि ये आसानी से सुरक्षित, बहुत सुरक्षित रह सकते हैं। और फिशेज जहां भी जाए अपने साथ अंडों को कैरी भी कर सकती हैं, चाहे फूड लेने जाना हो, चाहे पानी पीने जाना हो, कहीं घूमना हो, जाना हो, मूवमेंट करना हो, माइग्रेशन करना हो, किसी भी वजह से, एनिमी से बचाना हो, तो इजीली आप उनको कैरी करके ले जा सकती है। जैसे हम बोलते हैं अटैचमेंट टू बॉडी, या शरीर से आसंजन के द्वारा भी केयर की जाती है अंडों। नेक्स्ट हम ये भी बोलते हैं यहाँ पर कि जैसे ही ये अंडे बड़े होंगे इनमें से लार्वा एग्स निकलेंगे, एग्स से क्या होगा, यंग निकलेंगे, शिशु निकलेंगे, तो फिर उनकी भी केयर की जाती है, शिशुओं को भी केयर दी जाती है। फोर्थ पॉइंट, राइट, फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे इंटेग्यूमेंट्री कप्स। जिसमें हम देखेंगे कि फिशेस क्या
यहाँ पर कप्स जैसी संरचना या कप्स जैसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं फिशेस में। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका एग्जांपल है एस्प्रेडो और प्लेटी स्टेकस, राइट। ये दो इनके एग्जांपल्स होते हैं एस्प्रेडो एंड प्लेटी स्टेकस। अब इन फिशेस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो इनका नीचे वाला सतह होता है वेंट्रल सरफेस होता है, वहां पर इनका जो उदर भाग होता है, इनके स्टमक पार्ट होता है उदर भाग, वहां पर क्या होते हैं स्किन में ही, इनकी जो स्किन है त्वचा में ही, स्केल्स तो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, तो वहीं पर त्वचा में कुछ कप जैसी संरचनाएं बनी रहती है फोल्ड्स के द्वारा, और उन कप जैसी संरचनाओं में ये एग्स को प्लेस करके रखते हैं, ठीक है, इन्हीं संरचनाओं में, और ये काम करती हैं फीमेल्स, ठीक है, एग्स को अपने साथ रखती हैं और जहां भी जाएंगी मूवमेंट फिर इन्हीं के द्वारा होगी। पर कप जैसी संरचना बॉडी में ही उपस्थित है और वहां पर इजीली फोल्ड्स के अंदर ये एग्स को प्लेस कर लेती है और इनको बहुत सुरक्षात्मक आवरण देती है। तो ये स्ट्रक्चर संरचना जो है ये हमने प्लेटी स्टेकस की बनाई है, यहाँ पर इस तरह से अंडों को रखा जाता है कपनुमा आकृति के अंदर, इस तरह से उन्हें प्लेस करा जाता है। फिफ्थ प्रोसेस की हम अगर बात करते हैं तो फिफ्थ मेथड ऑफ केयर है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं शेल्टर इन माउथ, ठीक है, माउथ के अंदर शेल्टर लेना। और इसका अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल है आंडस एंड टीलेरिया। ठीक है, इनमें ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, इनका दोनों का हम अलग अलग चीजें ऑब्जर्व वातावरण को भांप कर आसपास की सिचुएशन को देखकर क्या करते
हमें देती है कि अगर वातावरण में बहुत ज्यादा एनिमीज है शत्रु है, उसे लगता है कि ये खा जाएंगे मेरे बच्चों को, तो अपने मुंह में लेकर ही चलती है और जैसे ही बड़े होंगे तो बाहर की तरफ रिलीज कर। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल्स यहाँ हम देखने को देखते हैं, एक आर्नस एक टेरैक्ट। आर्नस में हम बोलते हैं कि ये वाला जो कार्य है ये मेल्स करते हैं, मेल्स अपने मुख में रखते हैं अंडों को, और टेरैपिया में फीमेल्स का कार्य होता है, ये कार्य फीमेल्स करती है और अपने माउथ में एग्स को रखती है। तो ये है शेल्टर इन माउथ। सिक्स्थ पॉइंट की हम बात करेंगे, माउथ में शेल्टर के बाद ब्रूड पाउच में भी शेल्टर दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम पोस्ट बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम बोलते हैं सिंगनेथस को या फिर हिप्पोकैम्पस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिलती है कि यहां पर ब्रूड पाउच के अंदर, ठीक है, ब्रूड पाउच बन किससे रहा है, जो पेल्विक फिन होते हैं, शोनी के फिन होते हैं, उनके वलनों के द्वारा ब्रूड पाउच का निर्माण होता है, उनमें फोल्ड होते हैं और उसके द्वारा ब्रूड पाउच बनता है। जब हम बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की, तो वो क्या हुआ, हमारा सी हॉर्स, राइट, और सी हॉर्स में हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ये उनका हुआ ब्रूड पाउच, जिसके अंदर एग्स रखे जाते हैं।
अब हम बोलते हैं ये चीज ज्यादा से ज्यादा शार्क्स में देखी जाती है। जो शार्क्स वो भी पॉजिटिव होती हैं, एग्स देती हैं, क्योंकि हम कई बार मान के चलते हैं कुछ शार्क्स ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्ट यंग पर कोकी प्रोड्यूस करती हैं, डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो शार्क्स में ये वाली क्रिया होती है उन्हीं के अंदर ये वाली चीजें देखी जाती है और एग कैप्सूल के अंदर एग को प्लेस किया जाता है ताकि वो सुरक्षित। ठीक है, इसके अंदर प्लेस किया जाता है जिसे हम संपुट भाग भी बोलते हैं। अब अलग अलग स्पीशीज में एग कैप्सूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हमने देखा कैट शार्क और पॉड जैक्सन शार्क में हम देखते हैं कि जो एग कैप्सूल है मरमेड बर्ड्स की तरह है और यहाँ पर कुछ टेंड्रिल्स जैसी संरचना भी देखने को मिल रही है। ठीक है, टेंड्रिल्स तंतु जैसी संरचना है, इन तंतुओं के द्वारा ये जो कैप्सूल हैं ये इजीली कहीं पर भी क्लिंग हो जाते हैं, अटैच हो सकते हैं, एसेंजल कर सकते हैं किसी पादप के साथ, किसी प्लांट के साथ और वहां पर लटके रह सकते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए इन दोनों स्पीशीज में हमें ये देखने को मिलता है। कैमरा में हम देखते हैं बिल्कुल सीधा सा होता है, इसमें कोई ऐसा आवरण नहीं होता, ना टेंड्रिल्स उपस्थित। वही हम स्केट की बात करते हैं तो स्केट में भी टेंड्रिल्स उपस्थित नहीं होते, ये तंतु उपस्थित नहीं होते, लेकिन चारों कोनर से हुक्रुमा संरचना जो होती है, हुक जैसी संरचना उपस्थित रहती है, हॉर्न्स जैसी संरचना। ठीक है, श्रिंक जो होते हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, तो इनके कारण भी ये कहीं पर अटक सकते हैं और वहां पर इनके अंदर एग प्लेस किए जाते हैं, तो मरमेड पर्ल्स की तरह संरचना हो। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स के द्वारा पेरेंटल केयर फिशेस में की जा रही है, नेस्ट बिल्डिंग घोंसले का निर्माण करके, बॉडी से अटैच करके, ठीक है, नीचे जो उधर भाग है वहां पे कप्स का निर्माण करके, एग्स की चारों तरफ कॉइल करके किस तरह से लपेट लेते हैं वो वैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्रूड पाउचेस के द्वारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्रूड पाउच का निर्माण हो रहा है, मुख में रख के अपने माउथ पार्ट में रख के प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मरमेड पर्ल्स की तरह एग को वहां ले करके उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह विभिन्न प्रकार से पेरेंटल केयर फिशेज में करवाई जाती है।